नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सेकंड T20 मुकाबला खेला जाएगा स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इसके बारे में डिटेल से इस मुकाबले के बारे में चर्चा करेंगे। आपके लिए यूनिक टीम के बारे में चर्चा करेंगे, क्या संभावना है इस मुकाबले में ट्रेविस हेड फेल हो जाए और मिचेल मार्श 100 रन बना दे, सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। आपका एक एक लाइक मेरे लिए काफी इंपोर्टेंट होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। और साथ में जो भाई नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आफ्टर टॉस अपडेट आपके लिए यहां पर मिलेगी, फ्री गिव अवे आपके लिए यहां पर मिलेगा, और बेस्ट कॉम्बिनेशन स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग वो भी आपके लिए यहीं पर मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों वेन्यू के बारे में। तो सेम वेन्यू पर मुकाबला खेला जाएगा जहां पर लास्ट मुकाबला खेला गया था। यहां पर आप देखोगे तो वन साइड बल्लेबाजों के लिए मदद है, हाई स्कोरिंग विकेट है, और दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा ओवरसीज कंडीशन में पेस बॉलर के लिए मदद मिलती है, तो पेस बॉलर के लिए थोड़ी सी मदद मिलती हुई नजर आ जाएगी वनस्पत स्पिनर के। आप देखोगे टोटल 15 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करती हुई, 11 मुकाबले सेकंड बल्लेबाजी करती हुई, 5 मुकाबले टीम ने विन किए हैं। एवरेज के बारे में बात करें तो एवरेज वही देखोगे 175, और यदि बात करें पेसर यहां पर 70%, तो स्पिनर को मात्र 30% विकेट मिलते हैं। यदि स्कोरिंग पैटर्न के बारे में चर्चा करें तो आप देखोगे 150 और 150 से नीचे 4 बार, 152-169 4 बार, 170-189 एक बार, और 190 एबव यहां पर 6 बार स्कोर देखने को मिलेगा। अब एक बात मैं आपके लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करती है तो आपके लिए 190 एबव और 200 एबव स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा, कन्फर्म है, ऑलमोस्ट कन्फर्म है। और यदि स्कॉटलैंड पहले बल्लेबाजी करती है तो 158-169 आपके लिए स्कोर देखने को मिल जाएगा। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर चलिएगा। और जैसा आप सभी को पता है कि दोस्तों हमारी टीम बनेगी अकॉर्डिंग टू विकेट। लास्ट मुकाबला मैंने यहां पर अवॉइड किया है, लास्ट मुकाबला भी आपने सभी ने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया ने कैसे वन साइडेड डोमिनेट कर दोस्तों मात्र 9.2 ओवर में 150 प्लस रन चेस कर लिए, आप समझ सकते हो दोस्तों। ये मुकाबले इस वेन्यू पर खेले गए, यहां पर आप देखोगे पेस बॉलर 9 विकेट और सेकंड स्पिनर को मिले थे दोस्तों 5 विकेट, फिर आप देखोगे पेस बॉलर 11 विकेट और स्पिनर को मिले 3 विकेट, फिर उसके बाद आप देखोगे पेस बॉलर 10 विकेट और स्पिनर को 4 विकेट, फिर पेस बॉलर 8 विकेट तो स्पिनर को 4 विकेट। कुल मिलाकर एक चीज आपने नोटिस की होगी, यदि स्पिनर को 5 विकेट मिले हैं तो पेस बॉलर को वहां पर आपके लिए 10 विकेट ही मिले हैं, तो आप समझ सकते हो कि पेस बॉलर का डोमिनेशन देखने को मिलेगा वनस्पत स्पिनर का। और मेनली तो मैं आपके लिए बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेशन देखने को मिलेगा, चाहे वो बल्लेबाजी से मिले या फिर गेंदबाजी से। हालांकि लास्ट मुकाबले में गेंदबाजी इतनी अच्छी नहीं हुई थी जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि लगभग 100-120 के आसपास ऑल आउट कर देगा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी भी अच्छी की, चूंकि बल्लेबाजी की विकेट थी। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों हेड टू हेड दो मुकाबले हैं और दोनों के दोनों दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने विन किए हैं। ए पहले वाला मुकाबला है और सेकंड वाला मुकाबला दोस्तों आपको पता ही है लास्ट था, उसके बारे में अभी हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहां पर देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं वन एस इलेवन के बारे में। इसको डाउनलोड नहीं किया हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डाउनलोड कर आपके लिए राज 123 कोड डालना है, जैसे ही आप राज 123 कोड डालोगे हमारी तरफ से आपके लिए एक्स्ट्रा जी दोस्तों एक्स्ट्रा 100 रुपीज दिए जाएंगे। उसके बाद आपके लिए जीएसटी प्लस टीडीएस नहीं देना है, आपकी तरफ से जीएसटी और टीडीएस आपका भाई पे करने वाला है। फिर आप देखोगे आपके लिए डिपॉजिट ऑफर है जी दोस्तों, फर्स्ट टाइम आप जितना भी डिपॉजिट करते हो ना 5-10% एक्स्ट्रा रियल कैश देने वाले हैं। जैसे आप 100 रुपए डिपॉजिट करते हो ना तो आपको 110 हमारी तरफ से मिल जाएंगे। तो आप इन सभी ऑफर्स के लिए हमारा ऑनेस्ट लिमिट डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। लेकिन याद रहे राज 123 जी हाँ दोस्तों, राज 123 आप कोड डालना मत भूलिएगा, ये बेनिफिट सभी आपके लिए कोड डालने पर ही मिलेंगे। फिर आप देखोगे लोएस्ट एंट्री फी है, इससे कम एंट्री फी आपके लिए कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाली है, तो लोएस्ट एंट्री फी है, एक बार जरूर ट्राई कर देख लीजिएगा। तो चलिए बात करेंगे प्लेयर बाय प्लेयर एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले जैक फासर मुर्गर, हालांकि 0-0 पर आउट हुए, यदि ये भी चल जाते ना तो ऐसे ट्रेविस हेड की तरह 25 गेंद पर 80-85 रन ये भी बना जाते। हेड ने जिस तरीके से अपना उनका हेड का जो तूफान आया था ना वो काबिले तारीफ था, और वन साइडेड दोस्तों डोमिनेट कर रख दिया बॉलिंग को, स्कॉटलैंड की बॉलिंग को। और क्या इस मुकाबले में भी ऐसा देखने को मिलेगा या फिर ट्रेविस हेड फेल हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों,
या ट्रेविस हेड फेल हो जाएगा। फिर आप देखो मिचेल मार्श, सेम दोस्तों मिचेल मार्श के लिए 12 गेंदों में 39 रन की इनिंग्स के लिए, जॉस इंग्लिश 13 गेंदों में 27 रन की इनिंग्स के लिए, और मार्कस स्टोनिश नंबर 5 पर, इस बात को आप नोट डाउन करिएगा, मार्कस स्टोनिश नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और साथ में दो ओवर गेंदबाजी भी की थी। जी हाँ दोस्तों, अब क्रिस ग्रीन और मार्कस स्टोनिश में से आपको किसे लेना है। हालांकि लास्ट मुकाबले में हमने ग्रीन को ट्राई किया था और ग्रीन ने एक विकेट भी निकाला, लेकिन अब दोस्तों अधिकतर लोगों की टीम में रहने वाला है मार्कस स्टोनिश। आप एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा ग्रीन के साथ, तो आपको कई गुने बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, संभवतः ग्रैंड लीग में तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्रिस ग्रीन के बाद टिम डेविड ग्रैंड लीग की चॉइस है, सीन अवार्ड। जैसा कि हमारा वाइस कैप्टन था, यदि आपने लास्ट मुकाबले की हमारी टेलीग्राम वाली टीम ज्वाइन नहीं की या देखी नहीं है ना, तो आप एक बार जरूर देखिएगा। हमारा कैप्टन था ट्रेविस हेड, वाइस कैप्टन था सेन अवार्ड, ये 3 विकेट निकाले और इसने 80 रन किए और पूरी टीम हमारी जबरदस्त। जी हाँ दोस्तों, पूरी टीम हमारी जबरदस्त थी, तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल की टीम हम बनाते हैं। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, अब बड़े बड़े यूट्यूबर की बातों में मत लगिएगा, आप खुद एनालिसिस करिए हमारे वीडियो देखकर और टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, आपको ऐसी ही वन साइडेड टीम मिलेगी। हालांकि ब्रैडलेट को 1 विकेट मिला था, लेकिन मुझे उम्मीद था कि ब्रैडलेट को 2 से 3 विकेट तो मिलना ही चाहिए। रियल मैड्रिड की काफी अच्छी ठुकाई हुई और एडम जंपा तो हमेशा विकेट निकालती है, और दोस्तों यदि पहले गेंदबाजी करती है ना ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो एडम जंपा आपको सीन एबॉट के साथ कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कैंडिडेट है इनको। एडम जंपा को विकेट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, विकेट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही ये अपना करते हैं और हमेशा विकेट निकालते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्कॉटलैंड के बारे में, इन्होंने वेन्यू पर भी मुकाबले खेले हैं। जी हाँ दोस्तों, स्कॉटलैंड ने वेन्यू पर भी मुकाबले खेले हैं। सबसे पहले आप देखो कि जॉर्ज मुंसे बहुत अच्छा खेल रहे थे, 28 रन का स्कोर किया, हेड टू हेड 2 मुकाबले हैं, ये मुकाबले मैंने ऐड नहीं किया। वेन्यू पर आप देखोगे तो 22 रन का एवरेज है, बहुत अच्छे प्लेयर है। ओ हैरिस को मौका दिया गया था, हैरिस ने मात्र 6 रन किया था दोस्तों। फिर आप देखोगे सबसे इंपोर्टेंट प्लेयर इनकी टीम के ब्रेंडन मैकुलन, ब्रेंडन मैकुलन के बारे में आपके लिए बता दूं, 19 रन बनाए प्लस 1 विकेट इन्होंने निकाला, हेड टू हेड 2 मुकाबले हैं, ये वाला ऐड नहीं किया, और 79 रन इनके आप काउंट करिएगा और विकेट भी प्लस इसमें 1 जोड़ लीजिएगा, और वेन्यू पर भी 44 का एवरेज है। तो कुल मिलाकर सबसे इंपोर्टेंट प्लेयर, यदि एक रिस्क लेना चाहते हो ना आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, तो आप इन पर ले लीजिएगा। उसके बाद आप देखोगे रिचर्ड बैरिंगटन, बैरिंगटन ने बनाए 23 रन और इनका एवरेज है वेन्यू पर 36 का, तो ये भी आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकता है। मैट क्रॉस ने 27 रन बनाए। माइकल लिस्क वैसे बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर है और लगातार स्कोर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लिस्क लगातार स्कोर करते हैं, लिस्क को आप जरूर ट्राई कर लेना अपनी ग्रैंड लीग की टीम में, स्मॉल लीग में आप रिस्क मत लेना। मार्क वाट हमेशा की तरह विकेट निकाले दोस्तों, 2 विकेट इन्होंने निकाले, साथ में बल्ले से भी 16 रन इन्होंने किए। उसके बाद आप देखोगे और सभी के 0-0-0 और किसी ने कुछ नहीं किया। लिस्क इंपोर्टेंट है, लिस्क के बाद दोस्तों आपके लिए मार्क वाट इंपोर्टेंट है, और आप देखोगे इनके डेविडसन या जे आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। अब बात की जाए इनकी टीम की ओर से इंपोर्टेंट प्लेयर जिन्हें आप अपनी टीम में रख सकते हो, तो सबसे पहले ब्रेंडन मैकलन, बैरिंगटन है, बैरिंगटन के बाद दोस्तों मार्क वाट, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें आप अपनी स्मॉल लीग की टीम में ट्राई कर सकते हो और जिस पर आप रिस्क ले सकते हो, वो एक हमारे लिस्क हैं और एक हमारे हैं जॉर्ज मुंसे। इन 2 प्लेयर पर आप रिस्क ले सकते हो। तो चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड दोनों मेरे फर्स्ट चॉइस रहने वाली हैं, यदि इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो। फिर आप देखोगे सीन एबॉट है, टीम पहले बॉलिंग करेगी तो मैं सीन एबॉट को भी ट्राई कर सकता हूं। फिर आप देखोगे जैक फासर मॉर्गर्क है, मार्कस स्टोनिश और ब्रेंडन मैकलन, तो ये मेरे दोस्तों अभी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की सेफ और रिस्की चॉइस है। हालांकि मैं अकॉर्डिंग टू टॉस आपके लिए अलग टीमें नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए अलग टीम बनेगी और सेकंड बल्लेबाजी करते हुए अलग टीम बनेगी। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक कॉम्बिनेशन जो हम आपके लिए रेडी कर दे रहे हैं। आप देखो कि जॉर्ज मुंसे हैं, मिचेल मार्श हैं, ट्रेविस हेड है और जैक फासर मॉर्गर्क हैं, और मैकलन को मैं ट्राई कर रहा हूं यहाँ पर, मार्कस स्टोनिश और कैमरून ग्रीन दोनों को ट्राई किया है। हालांकि इनकी जगह एक को अवॉइड करके माइकल लिस्क को या फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर भी इनका ट्राई कर सकते हो जो पूरे 4 ओवर इनमें ये दोनों ही 2-2 ओवर कर देंगे। उसके बाद देखो एडम जंपा, सीन एबॉट, मार्क वाट हैं और ब्रैडलेट हैं, अभी मेरा एक कॉम्बिनेशन है। फाइनल कॉम्बिनेशन आपके लिए आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप प्लीज टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।